चुनाव में अपने हाथ पैर फेंकने के बाद कोई सफलता न मिलने पर अब संगठन को ज्ञापन देने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं बचा। कुछ यही देखने को मिला मुरादाबाद के नगर निगम ऑफिस में। ज्ञापन देने आए पार्टी के नेताओं को जब नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने फटकार लगाई तो ज्ञापन देने आए नेताओं ने अपना ज्ञापन ही बदल दिया। ऐसा है ना, देखो ऐसा है मान्यवर, राकेश शर्मा जी हैं आप जी? शर्मा जी जी मैं। अच्छा, हमारा चोर है, ठीक है ना? तो फिर जेल बेकार है, 125 करोड़ लोग अगर चोर घोषित हो जाएंगे, वैसे आपने पूरे महानगर को घोषित कर दिया, पूरा महानगर में कोई अलाव नहीं करता। हमारे पास अलाव की सूची है, हमको सैकड़ों क्विंटल लकड़ी डाल रहे हैं, वो चल रहा है, आप आगे बताओ ना, लेकर नहीं चल रहा। दरअसल जनशक्ति दल के नेताओं द्वारा शहर में अलाव न जलने को लेकर एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया। नगर आयुक्त ने ज्ञापन को जैसे ही पढ़ा तो पारा हाई हो गया। ज्ञापन में कहा गया था कि सभी चोर हो गए हैं और इसीलिए अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। इसे पढ़कर नगर आयुक्त ने कहा कि ज्ञापन देने का मतलब कुछ भी लिखना नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि जहां आवश्यकता है और वहां अलाव नहीं जल रहा है तो आप मांग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। इतना सब सुनकर ज्ञापन देने वाले नेता एक दूसरा ज्ञापन बनाने के लिए बाहर आ गए। अरे महानगर क्षेत्र में इस समय लगभग 52 स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है, इसकी बाकायदा पूरी सूची हमारे निर्माण विभाग में मौजूद है और मैं स्वयं भी रात में निकल करके अलाव वाले स्थलों को चेक करता हूँ। हमारे सारे शेल्टर होम में अलाव जल रहा है। इसके अलावा जो हमारे यात्रियों के आने जाने वाले स्थान हैं, जैसे रोडवेज बस अड्डा है या रेलवे स्टेशन कैंपस के अंदर अलाव नहीं जल रहा है, लेकिन बाहर उसके हमने अलाव की व्यवस्था करा रखी है। और इसके अतिरिक्त भी अगर हमारे पास कोई मांग आती है किसी क्षेत्र से कि हमारे यहाँ अलाव जलवा दिया जाए तो वो स्थान बढ़वा दिया जाए।